अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लेक्चर नंबर 40। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपेयर व्यू क्यू फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सो एटलीस्ट हम उस स्टेज तक पहुंच गए जो एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए चाहिए कि आप व्यू क्यू किस तरह बनाएंगे। ये आज मैं एग्जांपल के लिए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन फर्दर हम प्रोजेक्ट की तरह भी बना सकते हैं। ये क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट है, और अब हम ये आज डिस्कस करेंगे कि व्यू क्यू हम किस तरह बनाएंगे। तो उसमें क्या क्या मटेरियल है? नंबर फर्स्ट है एक्सकेवेशन, लीन कंक्रीट है, ब्रेकवर्क इन सीमेंट्स एंड मॉर्टर 1:5 इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, 2 इंच थिक DPC 1:4, ब्रेकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 1:4, RCC लेंटल ओवर डोर एंड विंडोज, RCC कॉलम बीम 1:4, RCC स्लैब 1:4, प्लास्टर 1:4, दीवदार वुडन डोर 1:5 थिकनेस, एलुमिनियम ग्लास विंडोज, पेंट, मास्टर टाइल फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, जिप्सम बोर्ड एंड लाइट्स। तो इन चीज़ों से हमने व्यू क्यूब बनानी है। अगर आपने इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्यू क्यू हम किसे कहते हैं। व्यू क्यू इज स्टैंड फॉर बिल्डिंग, सॉरी बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। बी से बिल, ओ से ऑफ, क्यू से क्वांटिटी। सो ये स्टैंड फॉर है बिल ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, ये व्यू क्यू हम किस चीज़ से मालूम करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास डिटेल वो होनी चाहिए, एस्टिमेट्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ड्राइंग्स होनी चाहिए और स्पेसिफिकेशन। अगर आपके पास स्पेक्स और ड्राइंग है तो आप इजीली बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने ऑटोकैड फाइल में जाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। सो ये एक ड्राइंग है, टू बेडरूम्स है और इसमें विंडोज है 8 फीट के, ये कॉलम्स है 9x9 इंच के, और ये एक वरंडा है, ठीक है। ये सेक्शन है जो हम फाउंडेशन से आगे आएंगे, फाउंडेशन हम किस तरह बनाएंगे, तो ये चीज़ें हम साथ साथ पढ़ेंगे। ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल है, लैंग्वेज चेंज करता हूँ कैम्ब्रिया। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा BOQ। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मेजरमेंट शीट। मैं सारी मेजरमेंट्स यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ठीक है, सो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, लेंथ है, वेट थे, हाइट और डेप्थ थे, और फिर क्वांटिटी। रिमार्क्स में हमने जो कुछ लिखना है तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये क्या है। एक चीज़ है जो आपने नोट करनी है, ठीक है, वो हम साथ साथ पढ़ते हैं। सो सीरियल नंबर 1 पे है हमारा एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशन के लिए आप ड्राइंग में आ जाए कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये ड्राइंग है, आपने सबसे पहले इन ड्राइंग से लेंथें मेजर करना है, ठीक है। तो अगर छोटा ड्राइंग है मिसाल के तौर पर ये, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर ड्राइंग बड़ी है तो फिर आपको ड्राइंग पे ग्रिड दिए होंगे, इस तरह के ग्रिड दिए होंगे, तो फिर आप उसी रेफरेंस के बिना पे मालूम करेंगे, ठीक है। इसी तरह के ग्रिड्स आर्किटेक्ट ने दिए होंगे तो आप उसी रेफरेंस पे मालूम करेंगे, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब ये काम छोटा है, जस्ट आप लोगों को एनालाइज करने के लिए कि किस तरह मालूम करेंगे। सो इसलिए अच्छा, सबसे पहले सब चीज़ों की वो निकालते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, 30 फीट 3 इंच, 23 फीट 6 इंच, ये और ये सेम है,
ये और ये सेम है, और फिर ये वाला, और फिर एक कॉलम है। सो मैं इसको नाम दे दूंगा लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल में कितने है, एक और दो। फिर शॉर्ट वॉल है एक दो और तीन, ठीक है, मैं इसी नाम से बोला पुकार दो। अगर आपने सेपरेटली करनी है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपने क्वांटिटी मेजर करनी है। लॉन्ग वॉल, फिर है शॉर्ट वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, अच्छा यहाँ पे नंबर्स डाले, नोज नहीं है हमारे पास, कितनी दीवारें हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल अगर आप देखें, सो 30 फीट 3 इंच है, दो नंबर दे 30.25। अच्छा उसकी वर्थ कितनी है, तो आप ड्राइंग में जाके सेक्शन में देख ले कि फाउंडेशन की वर्थ कितनी है। सो वो है 2 फीट 6 इंच, सो 2.5 फीट 2.5। और हाइट और डेप्थ कितनी है ग्राउंड लेवल से, सो ये ग्राउंड लेवल है, DAL कर ले, डायमेंशन मालूम कर ले, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 फुट 2 इंच, सो 2 फुट 2 इंच 2.16 फीट में हम 2.16 लिखेंगे। फार्मूला अप्लाई करें, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद करें। शार्ट वॉल देखें वो कितने हैं, 1, 2 और 3, लेकिन इसका लेंथ डिफरेंट है। सो सबसे पहले आप ये वाला करें, 2 दीवारें, एक और काम सुन ले, मैं माउस का लेफ्ट यहाँ रख के यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लेंथ चेंज करूँगा, क्योंकि लेंथ कितनी है 23.5 फीट। वेट भी सेम है, हाइट और डेप्थ भी सेम है, क्वांटिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। अच्छा अब इसमें एक और दीवार है, वो 1 है, ठीक है। अच्छा मैंने F1 प्रेस किया, वो 1 है और इसकी लेंथ 12 फीट है और हाइट और डेप्थ सेम है, सो कंट्रोल डी करें। अच्छा बीच में एक कॉलम रहता है, तो कॉलम के लिए फुटिंग हमने शो नहीं किया, लेकिन आपको फुटिंग दिया गया होगा ड्राइंग में। सो फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, उसकी लेंथ जो है वो 9 इंच की कॉलम है, तो उसके लिए हम 2x2 का बना रहे हैं। सो 2 फीट 2 फीट एंड 2.16 और कंट्रोल डी, ठीक है। सो मैं इसको टोटल करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्लैंक सबसे लास्ट में, और ऑटो सम पे क्लिक करके इंटर करूँगा, कंट्रोल बी करूँगा, यहाँ पे इसका यूनिट लिख लूँगा, ये क्यूबिक फीट में है, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल क्वांटिटी ये लिख लूँगा, ठीक है, और इसको मैं इंक्लाइन कर लूँगा। सीरियल नंबर 2 पे है, एक्सकेवेशन के बाद है लीन कंक्रीट 1:4:8 6 इंच थिक, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक इजी फार्मूला बताता हूँ, आप वो फाइंड करें। यहाँ से इसको सॉरस सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे पेस्ट करें कंट्रोल वी। अच्छा अब क्या करना है, अब देखें मेरे, आप जाए ऑटोकैड में, यहाँ पे लीन कंक्रीट मालूम करें कि लीन कंक्रीट का थिकनेस कितना है, तो वो 6 इंच है, ऑलरेडी मैंने उधर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, ये देखिए 6 इंच। सो दो नंबर दे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेंथ है भी ठीक है, ठीक है, और उसी वेट में हमने कंक्रीट भी करनी है, तो आप यहाँ पे आ जाए डेप्थ में, हाइट या थिकनेस में, डेप्थ में तो वो है 6 इंच। सो इक्वल अगर आप डालें 6/12 कर ले, सो ये 0.5, तो ये देखे आपको ऑटोमेटिकली कंक्रीट की क्वांटिटी भी दी गई कि वो कितनी है, 680.13। ये जो है क्यूबिक फुट में कंक्रीट की क्वांटिटी है, ठीक है।
सो इसी तरह हमने ये लीन कंक्रीट भी फाइंड आउट किया। ये एक शॉर्ट मेथड है कि आप इसको, चलो मैं इसको सेव करता हूँ, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो फिर मुझे आप कह सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ ब्यू क्यू। ठीक है, दो स्टेप्स हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड लेंथ 1:5। ठीक है, तो वो क्या हिसाब है, तो इसी तरह है, मैंने इनको फिर से कॉपी करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से करें कि मैंने क्या करना है। ये फाउंडेशन एंड प्लेंथ में करनी है, ये फाउंडेशन है, यहाँ से DAL कर ले। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 2 फीट 6 इंच। इसकी वेथ कितनी है, 1 फीट 6 इंच, यानी 1.5 फीट ये है और 2.5 फीट ये है। तो आप इस वैल्यूज को चेंज करें। अच्छा लॉन्ग वॉल पे आ जाए, इसकी लेंथ तो सेम है, ठीक है, वेथ इसकी कितनी है, 1.5 फीट, और हाइट कितनी है, 2.5 फीट। इस तरह आप यहाँ पे भी कर ले, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। ठीक है, ये तो RCC का कॉलम है, ये मैं यहाँ से निकालता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अब ये यूज़ नहीं कर रहा, ये मैं स्टील का करूँगा, रिइंफोर्समेंट का। तो यहाँ तक ये ब्रिकवर्क हो गया फाउंडेशन एंड प्लिंथ में। अब आपने आगे जाना है स्टेप नंबर 4 में, DPC का नंबर आता है। ठीक है, टू इंच थिक, तो आपको याद है ना कि हम किस स्टेज पे DPC को वॉल्यूम में लेते हैं और किस स्टेज में उसमें लेते हैं स्क्वायर फीट में। सो इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी, ये स्क्वायर फीट में हम लेंगे। ठीक है, कंट्रोल इस, अच्छा दो दीवारें ये है, दो दीवारें ये है। ठीक है, अब आपने वेट क्या करनी है, वेट हमने वही पे DPC डालनी है, 1:5 पे, 1 फीट 6 इंच पे। ठीक है, और इसकी हाइट हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे हम डैश डाल के एंटर करें, डैश एंटर, डैश एंटर, तो ये क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। 5 नंबर स्टेप पे क्या है, आप ज़रा स्लाइड देखें, ये भी हो गई। अच्छा, ब्रेकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, 1:4। स्पेसिफिकेशन हम इसलिए दे रहे हैं कि जब आप मार्केट रेट स्केजुअल से रेट ले रहे हैं तो इसी हिसाब पे आप लेंगे। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कहीं पे मुझे अंदाजा है कि हमने कॉर्नर और डिरेक्शन करनी है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा लेंथ ठीक है, अच्छा वेथ कितनी है, 9 इंच है, सो 0.75 0.75, हर एक दीवार 9 इंच का है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट हमने इज्यूम कर ली है कि हम 10 फीट रखें। सो मैं यहाँ पे 10 10 10 ये इंसर्ट करके ये मुझे ब्रेकवर्क की क्वांटिटी दे दी जाएगी। लेकिन मैं इस में एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डिडक्शंस करता हूँ, किस चीज़ की, ये कंट्रोल बी करें। डिडक्शन के लिए आम जो हम यूज़ करें वो ये है DYD, डिडक्शन ऑफ डोर्स, कंट्रोल डी करें, डिडक्शन ऑफ विंडोज। ठीक है, हम फिर यही चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अच्छा डिडक्शन हमने किस किस चीज़ की करनी है, डोर्स की और विंडोज की। डोर्स कितने हैं ड्राइंग में देख ले, 2 डोर्स है, वेथ कितनी है, वेथ है इसकी 3.5 और 7 फीट हाइट है, और विंडो 8 फीट है और 7 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, 7 कर ले या 6 कर ले ताकि डोर्स के साथ सेम एलिवेशन हो।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टू डोर्स है और टू विंडोज हैं। डोर्स की वेट कितनी है, या लेंथ 3.5 है, हाइट कितनी है, सॉरी वेट कितनी है 0.75 है, और हाइट कितनी है 7 है। कंट्रोल डी कर लें, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये फार्मूला खुद रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इसको अगर आप नीचे ले आए तो ये और भी ऐड हो गया। सो आपने किस तरह करनी है, आपने ये स्टार्ट में जो नंबर दे इसको माइनस में डालना है, माइनस टू। तो ये देखिए ये खुद ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, 8 से 1 है तो ये अब और भी डिक्रीज होगा, 8 से 57। अच्छा, फिर विंडोज़ की लेंथ कितनी है, 8 फीट है, इसकी वेट 0.75 है और हाइट 6 फीट है। तो ये देखें वो 861 से 787 पे चली गई। तो ये थी डिडक्शन टोर्ड और विंडोज़ के। तो सो ये वो क्वांटिटी मुझे मिल गई जो बिल्कुल क्लीन है। 6 पे क्या है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला स्लाइड तो हो गया। अब हमने आना है, अच्छा, आरसीसी लेंटल ओवर डोर देन विंडोज। अच्छा, अब कंक्रीट के दो लेंटल बनाने हैं, आरसीसी लेंटल हम डोर और विंडो पे क्या डालते हैं, लेंटल डालते हैं। तो लेंटल का मैं आपको बता दूं, ये भी दो है, ये भी दो है, ये 3.5 है और ये 8 फीट है, ठीक है। सो 6 इंच आपने इस तरफ पे चढ़ाना है और 6 इंच इस तरह, इसमें भी इस तरह, इसमें भी। तो 6 6 1 फीट हो गया, 8 + 1 9 फीट हो गया। और यहाँ पे अगर आप जाए तो 3.5 के साथ 6 कर ले तो 4, और फिर 6 इंच यहाँ पे कर ले। अगर आप इससे वो कर ले, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 एंड 4.5। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आप एक्सेल शीट में आ जाए। अच्छा, इस बीम की लेंथ कितनी है, डोर्स के लिए 4.5 है और विंडोज़ के लिए 9 है। अच्छा, इसकी वेथ कितनी है, 0.75 है, इसकी हाइट कितनी है, 1 फीट है, 0.75 और 1 फीट इक्वल प्रोडक्ट। आप इससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 फीट से, आपकी मर्जी। एंटर करें, सो 820 फीट हो गए। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करनी है, आरसीसी कॉलम एंड बीम, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ, 7 पे क्या है, आरसीसी कॉलम, आप देखें कि आपके कितने कॉलम है और कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सो कॉलम्स कर ले, या मैं यहाँ पे करता हूँ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, तो इसमें कॉलम दे और बीम में, क्योंकि रेशो सेम है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। रेट हर एक का अलग अलग है, ठीक है, ये आपको ध्यान में याद रखनी चाहिए, MRS में रेट हर एक का अलग अलग है। तो कॉलम्स कितने हैं, कॉलम की नंबर मालूम करें, 1 2 3 6 और 3 9, 9 है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं कॉलम, कॉलम की सेक्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन कॉलम आपका यहाँ से आना हो चाहिए, होनी चाहिए। सो 10 फीट ऊपर है और 2.5 ये ऐड करें, हाइट के लिए जाए 10 + 2.5 12.5, ठीक है। अच्छा, कॉलम्स की लेंथ कितनी है, 0.75, वेट कितनी है, 0.75 और यही हाइट है। इक्वल प्रोडक्ट, ठीक है। अब बीम्स कितने हैं, मैं एक ही बीम लेता हूँ, इसकी लेंथ में ऐड करता हूँ कहाँ से, 30.25 + 30.25 + 23.5 + 12.23, तो इसी पे मैंने बीम डालना है और ये भी। सो 30.25 के 3 है, ठीक है, या एक्सेल पे आ जाए। मैं इस तरह करता हूँ, ये बीम का चैप्टर अलग करता हूँ, ठीक है। थर्टी पॉइंट टू फाइव के 3 है,
टू जो है वो 23.5 के है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और एक जो है वो 12 का है। अच्छा, इस बीम की लेंथ हो गई, वेट कितनी है 0.75, और इसकी हाइट कितनी है 1 फीट है। इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद कर ले, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पे ऐड कर ले। आई थिंक लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, पार्ट टू में इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो देखिए पार्ट नंबर 2।